वहीं मध्य प्रदेश में करीब 5 महीनों से थमे बसों के पहिए आज से एक बार फिर सड़कों पर दौड़ेंगे। प्रदेश भर में आज से पूरी क्षमता के साथ बसों का संचालन शुरू हो गया है। लंबे समय से सरकार और बस संचालकों के बीच चल रहा विवाद थम गया है। सरकार ने बस संचालकों का 5 महीने का 120 करोड़ से अधिक टैक्स माफ कर दिया है, जिसके बाद बस ऑपरेटर बसों के संचालन को शुरू करने के लिए मान गए हैं। बता दें कि प्रदेश भर में छोटी बड़ी बसों को मिलाकर करीब 28,000 बसों का संचालन हो रहा है और आज से इंदौर से भोपाल के लिए 4 चार्टर्ड कंपनियों की बसों का संचालन शुरू हो रहा है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बसें चलेंगी। बस स्टैंड पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। मास्क के बिना यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। तो प्रदेश भर में 5 महीने बाद फिर से सड़क पर बस आपको देखने को मिलेगी। एक बार फिर से राजधानी भोपाल ने रफ्तार पकड़ी है। 120 करोड़ का टैक्स यहां पर माफ किया गया। 5 महीने बाद हम देख सकेंगे इन बसों को सड़कों पर। कई इनकी मांगे थी जिसको लेकर सरकार और उसके साथ ही हम ये कहें परिवहन मंत्रालय और इन बस ऑपरेटर्स के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी और आखिरकार इनकी मांगों को माना गया है कुछ शर्तों के साथ, जिसके बाद फैसला लिया गया कि बस चलेगी। तो पूरी क्षमता के साथ बसों का संचालन शुरू होगा, लेकिन बहुत जरूरी है इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि बस ऑपरेटर्स का कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर भी लानी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब चीजों का उपयोग करें। तो हबीबगंज से रीवा और जबलपुर से इंदौर ट्रेन चलेंगी। त्योहारों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने ये मांग की थी। एक तरफ ट्रेनों का संचालन हो रहा है, दूसरी तरफ अब बसेस भी चलेंगी। ज्यादा हम इस पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आकर्ष जुड़ चुके हैं। आकर्ष, एक बार फिर अब राजधानी भोपाल रफ्तार पकड़ने जा रही है। कहीं बस चलने वाली है और उसके साथ ही कुछ ट्रेन भी चलने वाली है जो भोपाल होते हुए जाएंगे। इनके बारे में बताएं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। त्योहारों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे मंत्रालय से मांग करी थी स्पेशल ट्रेनों की, और इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें चारों जो स्पेशल ट्रेन हैं जो इंदौर से होती हुई जबलपुर भोपाल होती हुई जाएंगी, चारों ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल से होती हुई तमाम शहरों पर रहेगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है राजधानी भोपाल वासियों के लिए ये खुशखबरी वाली बात है कि 4 स्पेशल ट्रेन राजधानी भोपाल वासियों को मिली हैं और प्रदेश के अन्य शहरों तक ये तमाम ट्रेनें जाएंगी। तो साफ तौर पर को देखते हुए काफ़ी अच्छी बात है कि पश्चिम मध्य रेलवे ने यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ हम देखें कि 5 महीने से जो सड़कों पर जो बसों के पहिए थमे हुए थे वो आज फिर से दौड़ते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर करीब 35,000 बसें अभी तक रुकी थीं। उनका कारण यही था, गृह मंत्रालय ने तो आदेश दे दिया था कि बसों का संचालन कोरोना काल में जिस तरीके से बाध्य था उसके बाद भी परमिशन दे दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से टैक्स माफ़ी की बात करें या फिर जो किराए बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो है सरकार और बस एसोसिएशन के बीच में खींचतान चली आ रही थी, जिसके बाद जो है आखिरकार सरकार ने उनकी मांग को मान लिया और टैक्स अगस्त तक का माफ कर दिया और सितंबर महीने का 50% कर दिया है। और तीसरी जो एक और मांग थी करिश्मा उनकी कि जो किराया बढ़ोतरी उसको लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, सोमवार तक वो भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आज से बसों का संचालन जो है बस एसोसिएशन ने कह दिया है कि सड़कें बसों पर दौड़ेंगी। तो साफ तौर पर पूरी क्षमता के साथ बसें दौड़ेंगी तो करीब 20 लाख यात्री जो हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हुई ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि बसों के संचालन होने से वो प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अंदर गाँव तक अब लोग जा सकेंगे। तो साफ तौर पर आज जो है लोगों के लिए, परिवहन के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है। लेकिन कोरोना काल में करिश्मा ये भी हमको ध्यान रखने वाली बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये तमाम जो कोविड के नियम हैं उनका पालन करें, नहीं तो संक्रमण तेजी से ही फैल सकता है। करिश्मा, बिल्कुल, और जो इस वक्त संक्रमण का स्तर है वो अपने पीक पर है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सावधानियां हमें बरतनी है। ये बताएं आकर्ष, इसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है खासतौर से ट्रेन्स में और बस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बसेस में नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर रहेंगे, तो क्या कुछ यात्रियों की वहां पे कमी देखने को मिलेगी, किस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं हैं?
क्रिसमस आप तौर पर यदि आप ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो आप ट्रेन स्टेशन से पहले आपको कम से कम आधे घंटे पहुंचना ज़रूरी होगा। और अधिकतम रेलवे ने और बस एसोसिएशन ने या बस जो परिवहन विभाग उन्होंने फैसला यही किया है कि टिकटों का जो बुकिंग है वो उन्होंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप के माध्यम से बुकिंग की जाए। अधिकतम ऐपों को लॉन्च किया गया, करीब 5 ऐप ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, ऐसे ही आप जो बसों की टिकट है उनको ही बुक कर सकते हैं। तो उनका सबसे पहले यही है कि जो कॉन्टैक्ट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट जितना कम से कम हो, यही कारण है कि अब वो टिकट बुकिंग को लेकर ऐप को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उससे टिकट बुकिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यही है करिश्मा कि जो बसों में देखा जाए कि जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनसे भी बोला जा रहा है कि वो जब बस में चढ़ें तो सैनिटाइज होकर चढ़ें और एंडिंग पॉइंट पर जाने के बाद फिर से अपने आप को सैनिटाइज करें, और बस भी जब शुरू होगी तो पूरी सैनिटाइज होकर चलेगी और उसके बाद जब एंडिंग पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसको फिर से एक बार सैनिटाइज किया जाएगा। दूसरी बात, जब बस स्टैंड पर यात्री पहुँचेंगे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, सैनिटाइजेशन के लेकर तमाम व्यवस्थाएँ की जाएंगी। यही व्यवस्थाएँ हमें स्टेशन पर देखने को मिलेंगी। तो साफ तौर पर रेल मंत्रालय हो या बस परिवहन विभाग हो, तमाम तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों को पालन कराने के लिए वो कार्रवाई करते देखेगा। दूसरा, उड़न दस्ता भी रहेगा जिससे कि जो बस की क्षमता है उससे ज्यादा यदि यात्रियों को बैठाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। करिश्मा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आकर जुड़ने के लिए। तो पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो छूट, जो रियायतें और जो सुविधाएं आपको दी जा रही है उसका सही तरीके से उपयोग करें और जो नियम कायदे बनाए जा रहे हैं उसका पालन जरूर करें।